ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बस लक्स का कमाल है। मैं रोज लक्स से नहाती हूँ तो आज मैं सुंदर लग रही हूँ और कुछ नहीं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज दिस माय डेब्यू ऑन लक्स अवार्ड्स। सो बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन से देखते आ रहे हैं कि लक्स के अवार्ड्स होते हैं। सो दिस इज माय डेब्यू ऑन लक्स अवार्ड्स, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड रियली ग्रेटफुल टू बी हियर। ये प्रेरणा मुझे हमेशा से मिलती आई है, मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना और रीयूनियन करना, सो वही हो रहा है। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। अंकिता, आपकी फिल्म का ऊपर नीचे मतलब कई चीज़ें कई तरह की बातें आती हैं। ओके। आपके मन में क्या चलता है जब ये सब? ऐसा कुछ नहीं चलता मेरे मन में, मेरा डेब्यू फिल्म है, मैं बहुत पॉजिटिव इसे लेकर और आई होप कि जो मैंने काम किया आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और बस आप लोग भी मेरे लिए अच्छा सोचिए। जी हो चुका है निर्देशन, उन्होंने पूरी अपनी फिल्म कंप्लीट कर ली है एंड शी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब। सो सबकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी, यही हम सबकी इच्छा है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। ही फॉर शी, सो आई फॉर यू, दैट्स व्हाट आई मीन, आई फॉर यू। आई गेस जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए हम सबको मिल रही है, बहुत चीज़ें हो रही है इंडिया में जो कि बहुत अच्छा टेक है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है और इट्स जस्ट नॉट अबाउट वुमेन। आई गेस हम एज ए ह्यूमन हमें बहुत सारी चीज़ें देखना चाहिए, तो अभी मुझे ऐसा लगता है हम सब धीरे धीरे आ रहे हैं उस जगह पर जहाँ हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रख सकें। सो नॉट वन थिंग बट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सो सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ये सिर्फ औरतों या लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए नहीं है, आई थिंक इट्स फॉर एवरी वन, इट्स फॉर ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनकी शादी, मतलब उनकी हुई है आज ही, मैंने उनके फोटोज़ देखे एंड दे आर लुकिंग सुपर क्यूट, सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ऑल द लक। सबकी शादियाँ सब खुश रहे, सब अच्छे रहे, दैट्स द होल पॉइंट। बट यानिक एंड प्रियंका दे लुक रियली क्यूट टुगेदर एंड शादी ही ऐसी चीज़ है जब वो होती है तो जब जिसकी हो रही है दे लुक क्यूट ऑलवेज, सो गॉड ब्लेस देम। मेरा बहुत जल्दी सामने एकदम स्ट्रेट।
और गुड इवनिंग। I think he for she is about equal rights for men and women. It's not about male bashing. It's not about let's hate all the men. It's not about all that. It's about just equal rights for men and women. So whatever rights the men are entitled to, the women are also entitled to exactly the same. जी, I'm wearing Kalki. A lot of matters, but I think when you come down to the equal rights thing, a lot of things get resolved like that, right? Where you say there's no discrimination towards discrimination against women, and there's equal rights for both. So I think once you have that, then everything else is sorted, right? Extending this, who has been the timeless beauty for you? The timeless beauty. There are so many. Internationally, probably Audrey Hepburn, because she was one of the first people I saw movies of when I was a child. So yeah, so for me, Audrey Hepburn would be. Nationally, I like Vahida Rehman, Vaijanti Mala. I think their faces are very classic. They were women who could look great in both Indian and Western, and they were both great dancers. I'm very partial to good dancers. Thank you so much, Adha. Thank you. Have a pleasant evening. Thank you so much. And keep posting me on On Instagram. I will do that. Thank you. Hi, hello. Good evening, sir. Good evening. Ji. Boliye. Sir, aap aao mere ko mil jayega. Zarur, zarur. आई थिंक मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता, आप टेलीविज़न में काम करते हैं, फिल्में कर रहे हैं। आई थिंक हर एक इंसान को इस ये जो कैंपेन चल रहा है, जो यूएन ने शुरू किया था, ही फिशी, जो लक्स यहाँ लेकर आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन है, स्पेशली इस दौरान जो इंडिया में मूवमेंट चल रहा है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, कहीं भी काम करें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन एंड बॉयज़ टू स्टेप अप एंड बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, क्योंकि ये सिर्फ I don't think it's a feminist issue. It's about men and women both. It's about gender equality, and it affects all of us. So I think it's my great good fortune ki main aaj yahan aa paya hu and be part of this celebration. जितना मुझे पता है, I am of course going to be cheering all of them, but I'm also awarding. एक अवार्ड कैटेगरी है, तो उसके लिए मैं आज यहाँ पर हूँ। लुक इज़ इंडियन, दिवाली अभी अभी गई है, तो आई स्टिल नॉट गॉट एन आउट ऑफ इट, इल टेक मी अनदर मंथ टू गेट इनटू क्रिसमस, सो आई जस्ट फेल्ट इंडियन एंड आई फेल्ट आज का जो अनलाइक यूजुअल अवार्ड फंक्शंस, आज की जो अवार्ड फंक्शन है, जो इवेंट है, इट्स अ लॉट मोर, इट्स आई थिंक अ लॉट मोर मीनिंगफुल। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंग्रेचुलेटिंग द बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, it means a lot more, I think, in society.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस स्पेशली मेन बिकम एन इंटेग्रल वॉइस और महत्वपूर्ण आई थिंक सिर्फ यहाँ आना इंपॉर्टेंट नहीं है आई थिंक यहाँ से बाहर जाकर बातचीत करना अपने परिवार से अपने दोस्तों से एंड हैव दिस डायलॉग अबाउट ही फॉर शी एंड अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिल के करीब वाला इशू जी. अगर आपने किसी टेलीविजन एक्टर का करियर फॉलो किया होगा आप जानती है वक्त बिल्कुल नहीं होता है तो आप अक्सर अपना खुद का काम नहीं देख पाते हैं जो कि मुझे याद नहीं मैंने अपना शो लास्ट कब देखा था. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट आई ऑफ कोर्स कीप ट्रैक ऑफ न्यूज़ वाय ट्विटर वाय सोशल मीडिया तो थोड़ा बहुत पता है पर देख नहीं पाया हूँ. ना ही मैंने वो एपिसोड देखा है पर आई थिंक आई रिमेंबर रीडिंग टीजेज आर्टिकल जो उन्होंने लिखा था आई थिंक बहुत ही पोलाइट बहुत ही ग्रेशियस आर्टिकल था एंड आई थिंक एवरी मैन और वुमन शुड हैव फुल फ्रीडम टू से व्हाट दे फील एंड आई थिंक इट्स वी लिव इन अ डेमोक्रेसी राइट. तो उन्होंने जो कहा बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहा एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट बट आई हैव नो कॉन्टेक्स्ट टू इट आई हैवन सीन द एपिसोड सो यार. देर हैव बीन अ लॉट इट्स डिफिकल्ट टू पिनपॉइंट कि एक सबसे इंस्पायरिंग कौन थी. आई थिंक ऑल माई टीचर्स स्कूल में कॉलेज में मेरी माँ ऑब्वियसली मोर देन एनीबडी एल्स बिकॉज शी कंटिन्यूज टू आई थिंक हम लोग जब बड़े होते हैं अपने सेल्फिश रीजन्स के लिए काम करते हैं पर अब आज भी जब मुझे अवार्ड मिलता है या वाहवाही मिलती है आई थिंक शी रियली इन्जॉयज इट इन यू नो फॉर हर इट इज़ हर पर्सनल विक्ट्री. तो अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आई डोंट थिंक मैं शायद आज यहाँ होता. उनके बाद देर आर लॉस सो मैनी ऑफ देम ऑल द को एक्टर्स आई वर्क विथ एवरी डे माई वाइफ आई थिंक बहुत बड़ा सहयोग रहा है उनका मेरे करियर में मेरी जिंदगी में तो टू मैनी एग्जाम्पल्स एंड रोल मॉडल्स आई हैव जी. माई मदर आई थिंक एनी चाइल्ड ग्रोज अप यू नो एडमायरिंग एंड बींग इन ऑफ द मदर. जब आप बहुत छोटे होते हो तो आपसे कोई पूछता है आप शादी करोगे तो आप अपनी माँ का नाम पहले लेते हो. आई थिंक सो शी इज़ माई शी विल ऑलवेज बी द टाइमलेस ब्यूटीफुल मी. जी राइट आई थिंक मैं इसमें बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा. आई थिंक सारा क्रेडिट जाता है जिस मीडियम में मैं काम करता हूँ. टेलीविजन इतना लोकप्रिय मीडियम है इतने लोग देखते हैं इससे इतने लोग जुड़े हुए हैं इससे दैट एवरी वन वॉन्ट्स टू नो वट्स हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ अ टेलीविजन स्टार एक्टर. सो देर इज़ नो क्रेडिट टू मी इट्स क्रेडिट टू द इंडस्ट्री आई वर्क इन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. क्या बोलते हो? सा 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 मैं बोल रही हूँ. ऑल द सर, वी आर दिस वन ऑफ
Well, it sort of just means everything. It's a yin yang, it's the balance in life, and I don't think one can do without the other in all meanings. So yeah, he for she, like for example in the films, it's always he for she, you know what I mean? It's always about each other. No, perform nahi kar raha hu. Khali dekhne aaya hu, award present karne aaya hu. As always, he's one of the best hosts, so you know, I'm expecting a great show. Yaar, mujhe koi idea nahi, mummy ne banaye bas, so I don't really know. Okay. But I think it was pretty silly, you know, of people who think of it as trolling. I mean, she was just doing a brand post, and I think because her social media is so powerful that, you know, it always draws attention no matter what she posts. Who's the most important woman for you in your life? Obviously my mother. Anybody else you'd like to add? My grandmother. Good evening. I think kiya ja raha hai in regards to the Me Too movement. I think a lot has been said already. So. But are the efforts enough? So, Vita Kumar, you have to do something more than in your capacity. How can you extend yourself? Well, I think just talking about it, raise awareness about it. You know, it's quite apparent. और बाकी तो काफ़ी लोग बातचीत ऑलरेडी कर रहे हैं इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, एंड आई थिंक काफ़ी लोगों ने एड्रेस भी किया है इसको. आई थिंक क्या इट डेफिनेटली हैज़ द अवेयरनेस. ओह यस, कंग्रेचुलेशंस रणवीर दीपिका, एंड विश यू द हैप्पीएस्ट लाइफ अहेड. कंग्रेचुलेशंस प्रियंका एंड निक, विश यू गाइस द हैप्पीएस्ट लाइफ अहेड. Well, firstly, I think Ranveer's reception is on the 2nd, so I'll probably be attending that. Is it in Bangalore or in Bombay? I think it's in Bombay, right? Yeah. Am I? No, I think I'll be shooting, so I won't be able to make it. No, I've not thought of marriage yet. I have a long way to go. मुझे लगता है काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाली है आज की शाम. पहली बार मैं लक्स गोल्डन रोज अवार्ड का पार्ट बन रही हूँ, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. देखना है काफ़ी कुछ क्या क्या होता है और कैसे होता है. लेट्स सी. मैंने डॉली जे का पहना है गाउन, एंड इट इज़ वेरी प्रिटी. द कलर इट्सेल्फ इज़ वेरी प्रिटी. मुझे लगता है लक्स गोल्डन रोज अवार्ड के लिए I look like the soap itself. So yeah, that's what I would want to say about the dress. जी नहीं, अपकमिंग फिल्म का लुक नहीं है. फिल्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है. जस्ट मुझे लगा कि हमेशा आई गो विद ओपन हेयर, सो दिस टाइम आई शुड ट्राई इट समथिंग एल्स. या हाय. हाँ.
For me, it's Madhuri ma'am. I am a huge fan of hers and I've seen all her pictures. And I think she's... जब जिनको कहते हैं हम शुरू से देखा जा रहा है वो खूबसूरत होती जा रही है टाइम के साथ साथ. पहले जितनी खूबसूरत थी आज अगर देखो तो वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है. तो फॉर मी इट्स माधुरी मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.